गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है पूजा करने के बाद से। काफ़ी देर हो गया है पूजा करे हुए। आप सब बने रहेगा, जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी तरफ फिर से गर्मी आ गई, मतलब बारिश बंद गर्मी शुरू। खैर गर्मी छोड़ते हैं, चलिए सब बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। देखिए आप सबसे बात करने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ। गोभी कट कर ली हूँ, आलू प्याज हरी मिर्च लहसुन। अभी सब्जी बनाऊँगी, पूड़ियाँ तलूँगी, उसके बाद फिर कुछ खाऊँगी। मेरे लिए अभी कुछ भी किचन में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ इकट्ठे बना लूँ, लंच भी हो जाएगा, खा भी लूँगी। झटपट से मैंने जीरा प्याज लहसुन मिर्ची डाल दिया है, उसके बाद गोभी भी जल्दी जल्दी तल लूँगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं भूखी हूँ, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँगी आज खाना। तो देखिए जल्दी से मैंने गोभी भी तल ली है, मतलब एकदम से भून ली हूँ। उसके बाद आलू डाल दी हूँ, मसाले डाल दी हूँ, तेल आज थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ जानबूझकर, क्योंकि थोड़ा सा तेल मसाले वाली सब्ज़ी मुझे खाने में अच्छी लगती है। जब तेल कम रहता है ना तो कम अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी यम्मी सी रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर महक रही है। क्यों? क्योंकि गर्म मसाले मैंने कूट के रखे हुए हैं खुद से भून के, तो उसकी महक ना बहुत अच्छी होती है। किसी दिन शेयर करूँगी। यहाँ देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, जल्दी जल्दी बनाऊंगी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ इकट्ठे तल के रख दूंगी। बच्चे वैसे भी पूड़ी खाएंगे नहीं क्योंकि सुबह वो लोग पराठा पूड़ी खा के कहते, समोसा पूड़ी जो छोटी छोटी एक दिन मैंने बनाया था ना उसी तरह की, वो लोग उसे ही पसंद करते हैं, तो शायद ना खाएँ। चावल भी डाल दूँगी, ऑप्शन रहेगा, जिनका मन होगा पूड़ी खाएँगे नहीं तो अपना चावल खाएँगे। पूड़ियाँ नुकसान तो करती हैं, बट जो लोग आटे में घी या रिफाइंड ऑयल डाल के उसे मुँह देते हैं वो और ज़्यादा नुकसान करती है। मैं जब भी पूड़ी बनाती हूँ फ्रेंड्स, मोमन कभी नहीं डालती हूँ, कुछ ऐसा कर देती हूँ कि वो अच्छे से टाइट रहे पूड़ी, भले खस्ता ना लगे, नुकसान करता है वो, मैं कभी भी नहीं मोती हूँ। ये देखिए जो बच्चे सुबह खा गए थे वो थोड़े से रखे थे, उन्हें मैं ले आई हूँ, पर पूड़ी चावल बाद में बनाऊँगी, अभी कोई जल्दी नहीं, पहले कुछ खा तो लूँ, तो यहाँ बैठ के आराम से खाऊँगी। खाने पीने की चीज़ों में ना फ्रेंड्स कभी भी दिखा सिखा काम नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे बनाते तब खस्ता होता है, ये होता है वो होता है। जो चीज़ें आपको लगता है आपको नुकसान नहीं करेंगी, आपके बच्चों को नहीं नुकसान करेगी, आप वही करिए। सबको देख देख के कुछ न्यू के चक्कर में नुकसान वाली चीज़ें ना खाइए। जब आप मोमन भी डाल देते हैं, पूड़ियाँ तलते भी हैं, बताइए उसमें कितना घी ऑयल रहता है, बताइए सोचिए। तो कभी भी आप लोग देखते होंगे मोमन नहीं डालती हूँ, कभी नहीं। उस दिन मैंने पराठा भी बनाया था पालक का, उसमें भी मैंने मोमन नहीं डाला था, ठीक है। यहाँ देखिए चावल मैंने तैयार कर दिया है, देख रही थी कच्चा कच्चा सा लग रहा है बट ऐसा नहीं है, पक गया है एकदम से खिला खिला। तो बच्चे आ गए जो जिन्हें खाना था, जैसे चावल पूड़ी तो वो सब खा चुके हैं, हस्बैंड जी आ गए हैं वो भी खा चुके हैं, आराम कर रहे हैं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सारे बॉटल मेरे खाली हो गए हैं तो इनको भर के रखूँगी, क्योंकि हम औरत हैं, लेडी हैं, माँ हैं, हमें सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आराम करने का टाइम मिलता है और मिलना भी चाहिए भाई। जब घर अस्त व्यस्त रहेगा, व्यवस्थित सामान नहीं रहेगा, कोई अगर पानी मांगेगा एक बोतल पानी घर में नहीं मिलेगा, सारे बोतल खाली पड़े रहेंगे, तो औरत का रहने का मतलब ही क्या है घर में? घर में अगर औरत है लेडी है तो समझ लीजिए उस घर में हर चीज़ की व्यवस्था कंप्लीट होनी चाहिए, घर वाली, बाहर वाली चीज़ें तो हस्बैंड लोग करते हैं, है ना। तो पानी मैंने भर लिया है, किचन भी अभी साफ़ कर लूँगी। आज थोड़ा सा मैं दोपहर का रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ जो मैं किया करती हूँ, अक्सर मॉर्निंग का ही आप लोग देखते हैं। तो बॉटल सारे मैंने फ्रिज में भर के रख दिया है। अब मैं तब खाई थी ना, अभी 1:30-2 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो गया, मैं 10:30-11 बजे खाई थी। तो थोड़ा सा मैं भी सब्जी चावल खाऊंगी, उसके बाद किचन से सारे बर्तन पीछे तरफ रखूँगी, खनिहाऊँगी, जैसे चावल अलग रख दूँगी, सब्जी निकाल के कटोरे में रख दूँगी, कम ही बची है थोड़ी सी। तो ऐसे मैं कुछ किया करती हूँ डेली दोपहर में। जब ये सारा काम फिनिश हो जाएगा पीछे बर्तन रखे रहेंगे, कुछ देर आराम करने के बाद फिर पीछे का बर्तन वगैरह धुलती हूँ, अभी जस्ट नहीं धुलूँगी, धूप रहती है वहाँ,
ये देखिए थोड़ी सी सब्जी एकदम बची है। और आज आप लोग लास्ट का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगी क्योंकि मेरा पोपट हो गया है। आप लोग कहते हो ना कि साधना दी अपने हस्बैंड को नहीं लाती हो, तो आप लोग हस्बैंड को देख लीजिएगा किस रूप में रहते हैं वो घर में, इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हें ब्लॉग में नहीं लाया करती हूँ। और आज मैंने उनका पैंट भी पहन लिया है तो उसमें भी पोपट हो गया है मेरा, सब लोग हंस रहे थे तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। अभी तो फ़िलहाल देखिए मैंने अपने लिए निकाल लिया है थोड़ा सा चावल और सब्जी। ये बोल रहे हैं कि हल्ला गुल्ला मत करो, खटर भटर हो रहा है। ये लोग देखो कूलर चला के रखे हैं, टीवी चल रही है, लेकिन इधर खटर भटर हो रहा ना तो उनको दिक्कत हो रही है। मतलब मैं बिल्कुल शोर ना करूं, टीवी इनकी शोर करे, इनका कूलर शोर करे, चलता है, बट मेरी तरफ से शोर नहीं चलता। यूँ ही बोल रहे हैं, कोई मतलब गुस्से में नहीं, तो जब यूँ ही बोलते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ। बर्तन रखने आए, देखा तो सारे कपड़े सूख गए थे। कहती हूँ ना कि एक काम में लगोगे दूसरा अपने आप काम दिख जाएगा आपको, तो कपड़े सूख गए थे उनको रख दूँ। बच्चों के ड्रेस जब भी ये लोग आते हैं स्कूल से ना तो मैं यहाँ धूप में डाल देती हूँ, शर्ट अगर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो, गंदा होता है धुल देती हूँ तो यहाँ डाल देती हूँ, तो पसीना वगैरह महक जो होती है वो निकल जाती है, सूखा सूखा रहता है, साफ जैसा लगता है। एक से दो दिन पहना के भेजती हूँ, तीसरे दिन धुल देती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी होती है, बच्चों के पसीना आता है तो महकने लगता है। और कपड़े बार बार गिर भी रहे हैं, हवा चल रही ना इसलिए शायद। देखिए कुछ कपड़े अभी भी नहीं सूखे हैं, इतना टाइम हो गया है, उन्हें अलट पलट दूँ। धूप है लेकिन मामूली धूप है, कि आप अगर एक तरफ ही कपड़े डाल के रखोगे ना तो सूखेंगे नहीं, तो इन्हें पलटूंगी और सारे कपड़े ले जाऊंगी। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा करूंगी आराम जैसे एक घंटे डेढ़ घंटे, उसके बाद फिर इवनिंग में मिलती हूँ आप लोगों से शाम के टाइम में चाय वाय बनाते और पीते हुए। ये देखिए सारा काम फिर शाम का ख़त्म हो गया है, इवनिंग का चाय बनने लगी है। चाय में आज खुशी, मैं और उसके पापा तीनों पियेंगे। हर्ष और शिवे दोनों के दोस्त का बर्थडे था तो दोनों गए हैं निमंत्रण अपने दोस्त के घर गिफ्ट उफ्ट लेकर, तो वो दोनों अभी यहाँ नहीं हैं, शाम को आएंगे शायद रात को। बर्थडे में वैसे भी नाइट का काम होता है। यहाँ देखिए नमकीन भी मैंने ले ली है, 3 कप चाय। तो हम बाप बेटी मम्मी तीनों लोग इंजॉय करते हैं। फिर ये लेके आ गए हैं मकैया, मकैया मक्का क्या कहते हैं भून के, तो उसे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए पतिदेव को, वो बनियान और टॉवल में ही रहते, घर में कपड़े कभी नहीं पहनते। इधर खुशी बैठी हुई है, मैं भी बैठी हूँ उनका लोअर वाला पैंट पहनकर, तो वही खुशी हंस रही, मम्मी आपने पापा का ही पहन लिया। ये भी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में, बाय।